हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम, जो ये मेरा होगा यानी नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ जो मेरा होने वाला है आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन में, उसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी मैथ से कितना क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से कितना क्वेश्चन रहेगा, जनरल साइंस से कितना क्वेश्चन रहेगा, करेंट अफेयर और जीए से यानी जनरल अवेयरनेस से कितना क्वेश्चन रहेगा, साथ ही उसमें रीजनिंग में फिर किस किस चैप्टर से पूछा जाएगा, किस किस चैप्टर से पूछा जाएगा, ये चीज हम आपको बताएंगे। और साथ ही इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो मेरा ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होगा, उसको क्रैक करने के लिए उसको मतलब उसमें हमें हमारी कम से कम मतलब रिटेन पास करने के लिए, रिटन एग्जाम पास करने के लिए, ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए हमको क्या करना होगा, ये चीज आज हम आपको बताएंगे। तो मित्रों, शुरू करने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपि विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। रीजनिंग बाय रीजनिंग गुरु मिश्रा सर। फॉर एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस फोर्स। मोबाइल नंबर 9708543314। हेलो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बन रहे हैं रेलवे एग्जामिनेशन। जी हाँ, रेलवे का जो ये जो ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन होगा अगले मंथ में, जो आपको 17 तारीख से लगभग शुरू होगा, 17 तारीख से, जिनका जो है नेट पे आपको जो आ गया है, जो कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने नंबर का और किस किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, आज हम उसी के विषय में जो है चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन होगा, वो एग्जामिनेशन हम कैसे क्रैक करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे जो हमारा रिटन एग्जाम जो है हम खुशी खुशी एकदम पास कर जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम स्पेशल 2018 सिलेबस, और इसमें हम क्या करेंगे, तो रीजनिंग सिलेबस की भी जो है चर्चा करेंगे, जो रीजनिंग से जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है। हम ये देख रहे हैं जो बैंकिंग एग्जाम के ही तरह रेलवे एग्जाम में भी रीजनिंग से क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछने लगा है। रीजनिंग जो है हमारा, वो बैंकिंग एग्जाम की तरह रेलवे एग्जाम में भी एकदम एक तरह से हम ये देख रहे हैं, जो जिस तरह से बैंकिंग के एग्जाम में रीजनिंग का अच्छा खासा रोल रहता है, उसी तरह अब जो हमारा एग्जाम हो रहा है, इससे पहले जो हमारा एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, तो उसमें भी हम ये चीज हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, जो रीजनिंग से करीब 25, 27, 30 क्वेश्चन तक एकदम पूछा जा रहा था, और आगे भी जो आपका ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा, जो नेक्स्ट मंथ से होगा, उसमें भी आप देखोगे तो रीजनिंग से 30 क्वेश्चन एकदम रहेगा। तो आप ये देख लो, जो बैंकिंग के एग्जाम में रीजनिंग से जिस तरह एकदम क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरह से यहाँ जो है रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। बस फर्क क्या है, तो बैंकिंग के एग्जाम का चैप्टर अलग है और रेलवे का एग्जाम का जो है चैप्टर अलग है। तो आज हम आपको बताएंगे जो वो रीजनिंग का चैप्टर जो आपको ग्रुप डी में पूछा जाएगा, वो चैप्टर कौन कौन से है और कितना जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा और कितने मार्क्स का जो है पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं जो हमारा जो ये सीबीटी होगा, यानी सीबीटी का जो ड्यूरेशन होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा,
जो ग्रुप डी एग्जामिनेशन के रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए जो होगा उनका जो ड्यूरेशन होगा वो जनरल कैंडिडेट के लिए, कहने का मतलब जनरल या ओबीसी या एसटी एससी या फिर एससी एसटी इसके लिए सबको लेकर के जो हम चलेंगे, यानी वो होगा हमारा क्या तो 90 मिनट का, जी हाँ 90 मिनट का ये एग्जाम होगा, यानी 1 घंटा और 30 मिनट का क्या होगा एग्जाम होगा। और पीडब्ल्यू कैंडिडेट जो होगा, पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए इसका जो ड्यूरेशन हो जाएगा सीबीटी के लिए वो कितना तो 120 मिनट। और पीडब्ल्यू को छोड़ करके जो पीडब्ल्यू कैटेगरी में नहीं आते हैं और बाकी वो ओबीसी है या एससी है या फिर एसटी है उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो पीडब्ल्यू अगर नहीं है तो उनके लिए क्या है 90 मिनट। अगर वो पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो उनके लिए कितना तो 120 मिनट रखा गया है जो 120 मिनट। अगर वो पीडब्ल्यू अगर नहीं है, मतलब कहने का मतलब पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो क्या है तो 120 मिनट उनको रहेगा। अगर आप पीडब्ल्यू जो है कैटेगरी में नहीं आते हैं, चाहे आप ओबीसी में आते हो या जनरल में आते हो या फिर एससी या फिर एसटी जिसमें भी आते हो, तो आपको 90 मिनट जो है 90 मिनट यानी 1 घंटा और 30 मिनट आपका रहेगा। तो ये तो मेरा ड्यूरेशन का जो सीबीटी हो गया, सीबीटी का जो है ड्यूरेशन हो गया। अब रही बात जो टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा इस ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में, जी हाँ इस आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा उसमें टोटल क्वेश्चन सबसे पहले कितना पूछा जाएगा, तो इसमें जो है टोटल क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 100, यानी आपको टोटल यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा 100, यानी 100 क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जाएगा। और ये 100 क्वेश्चन जो होगा इसमें क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपको मैथ भी रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जेंडर साइंस रहेगा, जेंडर अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर, ये चारों सेक्शन रहेगा। अब हम आते हैं किसमें, तो जो हमारा मैथ सेक्शन से कितना क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग सेक्शन से कितना रहेगा, जेंडर साइंस से कितना रहेगा, जीए एंड करेंट अफेयर का जो सेक्शन रहेगा उससे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं जो आपको जो नोटिफिकेशन जो नेट पे अपलोड किया गया है हम उसी के जो है अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, जो यहाँ मेरा ग्रुप डी एग्जामिनेशन में रहेगा उस तरह से। तो आपको रीजनिंग सेक्शन से कितना तो 30 नंबर का और 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जी हाँ रीजनिंग सेक्शन का जो ग्रुप डी में जो रोल रहेगा वो कितना रहेगा तो टोटल 30 क्वेश्चन और 30 मिनट, यानी 30 क्वेश्चन मतलब मिनट आपको रहेगा नंबर ही, सेक्शन जो है सेक्शनल कटअप नहीं है, सब एक साथ ही आएगा, यानी टोटल क्वेश्चन जो आएगा कितना 30 क्वेश्चन और इसका नंबर भी आपको 30 ही रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं मैथ के लिए, तो मैथ में क्या है तो 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो 25 नंबर का होगा। मैथ के लिए हमारा कितना रहेगा तो 25 क्वेश्चन, जी हाँ टोटल 25 क्वेश्चन इस ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा। आगे है क्या तो जनरल साइंस, जी हाँ जनरल साइंस भी हमारा 25 क्वेश्चन पूछेगा मैथ की ही तरह और 25 नंबर का यानी 25 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल 25 क्वेश्चंस रहेगा किससे तो जनरल साइंस से और मैथ से। आगे क्या है तो जनरल अवेयरनेस, जिसको हम जीए कहते हैं, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर ये दोनों साथ में ही रहेगा, ये दोनों सेक्शन एक ही साथ रहेगा और इससे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 20 क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का रहेगा, जी हाँ टोटल 20 क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का रहेगा किसके लिए तो जेंडर अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के लिए। तो अब आप देखो दोस्तों जो हमको जो ये ग्रुप डी एग्जामिनेशन जो क्रैक करना है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन जो हमारा जो नेक्स्ट मंथ के लिए होगा, तो आप सबसे पहले आप ये चीज देखो जो इसको हम क्रैक कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हो जो रीजनिंग सेक्शन से कितना है 30 क्वेश्चन पूछेगा रीजनिंग सेक्शन से, मैथ के लिए कितना तो 25 क्वेश्चन पूछेगा और जनरल साइंस से
जनरल साइंस से यानी सामान्य विज्ञान से जो मेरा क्वेश्चन पूछेगा वो कितना पूछेगा 25। जी हाँ, सामान्य विज्ञान से कितना क्वेश्चन रहेगा 25 क्वेश्चन। उसी तरह जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर सेक्शन से कितना रहेगा तो 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन। अब इस सारा जो है और ये टोटल जो है क्वेश्चन कितना 100 क्वेश्चन और ये 100 नंबर का भी होगा, 100 नंबर का भी रहेगा। तो अब हमको ये देखना है जो हम किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करें, किस पे कितना जोर डालें और किस तरह से पढ़े, ये चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताएंगे जो रीजनिंग सेक्शन। तो अब आप ये देख रहे हो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इस ग्रुप डी एग्जामिनेशन में। जी हाँ दोस्तों, जो ये ग्रुप डी एग्जामिनेशन में जो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके सेक्शन से पूछा जाएगा तो ग्रुप जो है रीजनिंग सेक्शन से। जी हाँ, ग्रुप डी एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा किस क्वेश्चन से तो रीजनिंग सेक्शन से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मैथ से, यानी मैथ से 25 पूछ रहा है और बाकी जनरल साइंस से क्या पूछ रहा है तो 25 क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। अब उसके बाद जो है क्या है करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, इस दोनों को मिलाकर के कितना तो 20 क्वेश्चन। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचना जो सबसे कम नंबर, जी हाँ जो सबसे कम हमारा ये 20 नंबर ही पूछेगा करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस से, तो ऐसा आप कभी मत सोचना। क्यों? क्योंकि देखिए करंट अफेयर ऐसा है जो मान लीजिए आप ज्यादा से ज्यादा साल भर का अगर आप कवर कर लेते हो, 6 महीना या साल भर मान के चलो अगर आप कवर करते हो तो आपको इस 20 में से आप 10 बड़ी आसानी से बना सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है जो आप साल भर का या 6 महीना का जितना भी हुआ जो आप जो है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आपने पढ़ा, तरह तरह के पब्लिकेशन, तरह तरह के राइटर के जो है किताबों से, बुक से, तो पता चला जो आप साल भर का पढ़े उसमें से आपको मात्र 2 क्वेश्चन जो है मतलब क्रैक किया मिला, एग्जाम में आया, या 3 क्वेश्चन आया, यानी आपका जो सेट रहा आपके जो है आपके सेट में। तो ऐसा नहीं है जो हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, बल्कि ऐसा भी है जो हो सकता है जो हम 2 महीना का ही करंट अफेयर पढ़ेंगे और पता चलेगा 8-10 क्वेश्चन हमको जो है आ जाएगा। तो आप ये देखो जो ये तो जो है सो है, करंट अफेयर आप साल भर का क्लियर करो, अगर 5 क्वेश्चन उससे आए या 7 क्वेश्चन आए या 10 आए या 12 आए जो आए वो आप छोड़ दो, उसके लिए आप टेंशन नहीं लो, बस आप कवर करते जाओ जो मेरा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आप उसको एकदम कवर करते जाओ। लेकिन आप यहां थोड़ा सा ये माइंड में सोचो, ये थोड़ा सा क्रैक करो जो रीजनिंग सेक्शन मेरा इस ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, इस रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए हमारा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है जो अगर हम इस 30 में से 20 अगर बना लेते हैं तो वो मेरा बेस्ट होगा, 20 से 25 अगर हम बनाते हैं तो वो मेरा बेस्ट स्कोर कहलाएगा। तो आप देखो जो 20 या 25 नंबर आप जो भी लाते हो सिर्फ एक सेक्शन से आपको मिलेगा। और उसके बाद मैथ सेक्शन पे हम आते हैं तो मैथ में हम ये देख रहे हैं जो कितना है तो 25। तो 25 क्वेश्चन में जो अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप जो है सॉल्व कर लेते हो, बना लेते हो, तो सिर्फ आप देखो जो मैथ और रीजनिंग पढ़ने से आप कितना बना लेते हो। तो आप देख लो जो अगर मान लो जो 25 और 20 बनाए हो तो कितना 45 या फिर 40, तो लगभग आप 40 क्वेश्चन लगभग आप 100 में से 40 से 45 आप एकदम बना सकते हो किससे तो सिर्फ मैथ और रीजनिंग से। और मैथ और रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जो अगर आप एक कंपिटिटर हो यानी आप प्रतियोगिता परीक्षा का जो है क्रैक कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, चाहे बैंकिंग का या रेलवे या एसएससी जो भी हो, तो मैथ रीजनिंग तो आप पढ़ ही रहे हो। हाँ, अगर मान लीजिए आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो तो जनरल साइंस आप नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन मैथ रीजनिंग तो आप पढ़ते हो। तो मैथ रीजनिंग इस आरआरबी ग्रुप डी के लिए, रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट अब हो गया है जो पहले मेरा नहीं था, पहले मेरा नहीं था। तो अब आप सबसे पहले एक ही चीज सोचो जो इस रीजनिंग सेक्शन से कम 30 में से हम 25 क्वेश्चन बनाए। जी हाँ, इस रीजनिंग में से 25 क्वेश्चन बनाए। और उसके बाद आप साइंस से यानी जनरल साइंस से जो 25 नंबर है
इससे जो अगर आप कम से कम 15 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर दोगे या 15 से 20 अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आपका एकदम रिजल्ट एकदम सिक्योर हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका लगभग 40 से 45 आप इससे लेते आए हो और लगभग इससे अगर आप 15 ले आओ तो अगर आप देखो जो आप उस दौरे में आ जाओगे। हाँ, बाकी अगर 5, 7 या 10 क्वेश्चन भी अगर आप जनरल अवेयरनेस से बना लेते हो तो आपका रिजल्ट एकदम सिक्योर हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। तो आप ये देखो जो रीजनिंग पे हमको एकदम ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि अकेला रीजनिंग ही आपको उतना नंबर देगा इस रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में जो आपको कोई सेक्शन नहीं दे रहा है, सेक्शन नहीं दे रहा। ऐसा बात नहीं है जो हमको जनरल अवेयरनेस से या करेंट अफेयर दोनों मिला करके जो है 20 नंबर उससे भी हमको आ सकते हैं, 20 में 20 उसको बना सकते हैं, लेकिन ये चीज हमारा सिक्योर नहीं है। जो जनरल अवेयरनेस क्या पूछेगा नहीं पूछेगा ये चीज का सिक्योरिटी नहीं है। उसी तरह जनरल साइंस से भी हमारा ये सिक्योर नहीं है जो किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जैसे कि मान लीजिए आपसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछेगा आप फटाक से बना देगो, चाहे राम के जगह मोहन पूछा या तस्वीर के जगह कुछ भी लगा दिया एक आदमी के ओर जो है इशारा करते हुए, या कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन किया या सिलोलिथ से क्वेश्चन किया, चैप्टर तो वही है और क्वेश्चन तो वही है। और ये ग्रुप डी एग्जामिनेशन है तो लेवल भी तो उतना बैंकिंग या एस एस सी सीजीएल की तरह हाई नहीं रहेगा। यानी बैंकिंग मतलब पीओ या क्लर्क की तरह तो हाई नहीं रहेगा, रीजनिंग में थोड़ा लेवल डाउन ही रहेगा। तो आप ये देखो जो अकेला रीजनिंग से आप अगर थोड़ी अगर आप मेहनत कर लेते हो तो 30 के 30 आप ले आओगे। और फिर मैथ में तो एकदम सिक्योर है, कोई भी चैप्टर रहेगा प्रॉफिट लॉस एज एवरेज या जो भी है डेसिमल फ्रैक्शन या स्क्वायर रूट जो भी आप फटाक से निकाल लोगे तो ये भी सेक्शन तो ये दोनों से तो एकदम फिक्स नंबर है। अब बाकी जनरल साइंस से हमारा मान लीजिए फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछा या बायोलॉजी से पूछा या केमिस्ट्री से पूछेगा तो यही तीनों सेक्शन में से क्या क्वेश्चन रहेगा वो तो कोई एक सिक्योरिटी नहीं है, और ना ही करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस से कोई एकदम सिक्योरिटी है। तो आप एकदम भली भांति ये माइंड में आपको सेट हो गया होगा जो हमारा रीजनिंग सेक्शन ही हमें क्या करेगा तो एग्जाम हमको क्रैक करवाएगा, हमारा रिटर्न जो है खुशी निकलेगा। तो अब हम आपको ये बताते हैं जो ये जो 30 क्वेश्चन जो पूछेगा यानी रीजनिंग से जो 30 क्वेश्चन जो पूछेगा वो 30 क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पूछेगा। अब आप इसमें से ये सारे चैप्टर पे ध्यान देगो क्योंकि अभी से बहुत समय है, बस आप एक बार इस सारे चैप्टर का एकदम जो है रिविजन करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है, एनालॉगी। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है तो अल्फाबेट। तीसरा जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, सीरीज टेस्ट। चौथा चैप्टर है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। पांचवा जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। छठा जो मेरा चैप्टर है वो चैप्टर मेरा क्या है तो ब्लड रिलेशन। अगला जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है यानी सातवां जो चैप्टर है वो क्या है तो सिलोलिज्म। और आठवां चैप्टर मेरा है जंबलिंग। नौवां चैप्टर है हमारा वेन डायग्राम। और दसवां जो मेरा चैप्टर है वो क्या है, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। यही मेरा दसवां चैप्टर है। और ग्यारहवां चैप्टर मेरा क्या है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। ये मेरा ग्यारहवां चैप्टर है। और बारहवां चैप्टर मेरा क्या है तो क्लासिफिकेशन। अगला जो मेरा यानी तेरहवां चैप्टर है अजम्पशन ऑफ आर्गुमेंट्स। चौदहवां चैप्टर है मेरा कैलेंडर। और पंद्रहवां चैप्टर है मेरा डाइस। और सोलहवां चैप्टर है टाइम एंड क्लॉक। और सत्रहवां चैप्टर है मेरा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। अठारहवां चैप्टर है मेरा वाटर इमेज एंड मिरर इमेज हमारा कितना है, 18वां चैप्टर। और 19वां और लास्ट चैप्टर हमारा क्या है, एम्बेडेड फिगर।
तो यही वो चैप्टर है, इन्हीं सारे चैप्टर से आपको कितना क्वेश्चन पूछेगा, टोटल 30 क्वेश्चन। तो अब आपको ऐसा लगता होगा जो क्या इस ये जो 30 क्वेश्चन जो रीजनिंग सेक्शन से जो पूछा जाएगा, तो क्या ये सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर इंक्लूड रहेगा? जी हाँ, ये सारा चैप्टर आपसे पूछेगा और हर एक चैप्टर को आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में सिर्फ यही देखने के लिए मिला है जो ये जितना भी सारा चैप्टर है उससे एकदम क्वेश्चन रहा है। ऐसा नहीं है जो आपको सिलोलिन से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, या फिर डाइस से नहीं पूछ रहा है, या फिर कैलेंडर से नहीं पूछ रहा है, तो ऐसा बात नहीं है। बस आपको हर एक चैप्टर को आपको जो है कवर करना है। और हाँ, सिलोलिस को आप ले लो, सिलोलिस को ले लो, या फिर अजम्पशन ऑफ आर्गुमेंट को ले लो, या फिर जो है कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग को ले लो, तो इस सबसे कोई बैंकिंग लेवल वाला आपको क्वेश्चन नहीं रहेगा। जी हाँ, बैंकिंग पीओ लेवल या क्लर्क लेवल का क्वेश्चन रहेगा, एकदम लो लेवल का क्वेश्चन रहेगा। और बाकी ये जो आपको एनालॉजी या अल्फाबेट सीरीज टेस्ट या कोडिंग डिकोडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ब्लड डिलेशन वेन डायग्राम या फिर टाइम एंड क्लॉक पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग वाटर इमेज मिरर इमेज या फिर कैलेंडर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्लासिफिकेशन, तो इससे जो क्वेश्चन रहता है वो आपको किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपको एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी एलडीसी जिसको सीएचएसएल हम कहते हैं, यानी प्लस टू लेवल का जो है सिर्फ उसी तरह से रहेगा, या फिर रेलवे का जो पहले जो मतलब जो एग्जामिनेशन होता था उसमें ये सब चैप्टर से जिस लेवल का क्वेश्चन था उसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा। बसरते अब आपको क्या करना है, तो थोड़ा सा जैसे कि सिलोलिज्म या एजम्पशन ऑफ आर्गुमेंट्स या फिर कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, तो इस सेक्शन सब पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा, बढ़िया से क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन आप ये माइंड में सेट कर लो जो ये मेरा जितना चैप्टर है 19 चैप्टर, इसमें जो है सारा से आपको एकदम क्वेश्चन रहेगा, पक्का रहेगा। बसरते क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो जो सारा जो भी सिलेबस मेरा दिया गया है जो नेट पे आया है, जो रीजनिंग में मैथ में जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स जो भी है, उसमें सबसे ज्यादा सेक्शन आपको किस में है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस सेक्शन से है, तो रीजनिंग से है 30 नंबर। तो अब आप ही बताओ जो ये 30 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और टोटल हमारा यहाँ 19 चैप्टर है। हाँ, एक चैप्टर और भी क्वेश्चन पूछेगा क्या, तो जैसे कि यहाँ पे आपको क्या है डाइस है, और डाइस के साथ एक रहता है क्या, तो क्यूब क्यूबाइड। जी हाँ, इससे भी आपको क्वेश्चन, ये 20 चैप्टर ले लो क्या, तो क्यूब क्यूबाइड इससे भी आपको क्वेश्चन रहेगा। क्यों, क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, किसी के से मतलब किसी दिन के एग्जाम में देखा गया तो डाइस से क्वेश्चन था, तो किसी दिन के एग्जाम में क्यूब क्यूबाइड से भी क्वेश्चन था। और हाँ, कैलेंडर और क्लॉक टाइम एंड क्लॉक से तो क्वेश्चन एकदम रेगुलर ही रहा है। तो आप देख लो जो टोटल 20 चैप्टर मेरा हो गया इस क्यूब क्यूबाइड को लगा करके 20 चैप्टर, और यहाँ पे कितना है टोटल 30 क्वेश्चन। तो अब आप ये देखो जो टोटल सारे चैप्टर से अगर एक एक क्वेश्चन देता है तो फिर भी 10 क्वेश्चन वो और पूछेगा, 10 क्वेश्चन और हो जाता है, यहाँ 20 ही है और टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 30। तो अब आप देख लो जो बाकी 10 क्वेश्चन किससे करेगा, तो यानी कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग या फिर सिलोलिस या फिर एजम्पशन ऑफ आर्गुमेंट या जो भी हो, करने का मतलब जो थोड़ा ऐसा लगे जो हाँ आप, जैसे कि मान लीजिए जो एनालॉजी हो गया, तो ये सब कोई टफ चैप्टर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का संख्या ज्यादा हो सकता है, इसीलिए जो कितना दिया है 30 दिया है। तो अब आप ये माइंड में सेट कर लो जो अगर हमको रेलवे ग्रुप डी निकालना है तो रीजनिंग पे मतलब ऐसा फोकस करना है जो हमसे एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और हाँ, रीजनिंग के फोकस के करने के दौरान आप मैथ और जनरल साइंस और जीए यानी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर सेक्शन को नहीं भूलना। कहने का मतलब है जो आप 100% में से आप क्या करो, तो 50% आप रीजनिंग पे दो, 100% में से आप 50% रीजनिंग में दो, और
फिर 50% में से बाकी बचा 50% में से आप क्या करो तो 25% आप मैथ पे दो और फिर जो आपको जितना बच जाता है उसमें से आप क्या करो तो जनरल साइंस और करेंट अफेयर पे ध्यान दो। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर आपको कहेंगे जो करेंट अफेयर से ज्यादा ध्यान आप जनरल साइंस पे दो। जी हाँ, जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर से ज्यादा टाइम आप किस पे दोगे तो जनरल साइंस से। क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस कुछ ना कुछ फिक्स है। जो हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन लगभग वही रहेगा, केमिस्ट्री से लगभग वही क्वेश्चन रहेगा, लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी से क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर सर कोई बात है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन करेगा या प्रधानमंत्री से क्वेश्चन करेगा या फिर संविधान सभा से करेगा या फिर पॉलिटी सेक्शन को ही छोड़ देगा, आपको आ जाएगा इकोनॉमिक्स पे आ जाएगा या फिर कुछ बैंकिंग के दौर वाला क्वेश्चन आ जाएगा, अवेयरनेस वाला बात आ जाएगा। तो कोई ऐसा तो नहीं है जो हाँ, अगर हम मान लीजिए जो इकोनॉमिक सेक्शन को क्लियर कर लिए यानी अर्थमेटिक को अगर हम क्लियर करते हैं यानी इकोनॉमिक सेक्शन को अगर क्लियर करते हैं करेंट वाला बात को तो या पॉलिटी वाला बात को क्लियर करते हैं तो मेरा उसी से क्वेश्चन रहेगा। ये करें जेंडर अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर ये सीधा लिख दिया है क्या तो जेंडर अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर। तो आप देख लो जो बहुत लंबा हो जाता है लेकिन इस जेंडर साइंस में आपको क्या दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी तो इससे तो लगभग हम पढ़ते आए हैं पहले से भी। रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी जीएस जो था सामान्य अध्ययन तो उसमें भी साइंस वाला पेपर था। तो अब आप इससे ज्यादा फोकस या इससे ज्यादा समय इस पे दो यानी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से ज्यादा आप किस पे दोगे तो जनरल साइंस पे और उसके बाद सबसे ज्यादा मैथ नहीं रीजनिंग पे दोगे और रीजनिंग के बाद किस पे देना है तो मैथ पे देना है। तो रीजनिंग और मैथ ही आपको क्या करेगा तो आपको एग्जामिनेशन जो खुशी खुशी ग्रुप डी का जो है रिटर्न निकल जाएगा। तो एक बार फिर हम आपको रिपीट कर देते हैं क्या तो ये जो 30 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछेगा वो किस किस चैप्टर से पूछेगा। तो आइए, तो पहला जो मेरा क्या है तो एनालॉगी। तो एनालॉगी को हम हिंदी में कहते हैं असमानता। असमानता अल्फाबेट को असमानता या फिर समरूपता जो भी कहे वो भी होता है एनालॉगी और अल्फाबेट को हम कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला हिंदी में। अगला चैप्टर है हमारा सीरीज टेस्ट यानी श्रृंखला परीक्षण, इसको हम हिंदी में कहते हैं। अगला चैप्टर है हमारा कोडिंग डिकोडिंग जिसको हम सांकेतिक भाषा या फिर कूट भाषा कहते हैं। अगला चैप्टर है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। अगला है हमारा ब्लड रिलेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। अगला है हमारा चैप्टर सिलोलिज्म जिसको हम हिंदी में कहते हैं तार्किक अनुमान वो न्याय। अगला जो हमारा चैप्टर है जंबलिंग इसको हम कहते हैं हिंदी में जंबलिंग जो है इसको हम जैसे हिंदी में हम जंबलिंग ही कहा जाता है। जैसे कि आप सिलेबस में जाओगे जो आपको नेट पे दिया गया है तो उसको हिंदी में भी जंबलिंग ही लिखा है लेकिन जंबलिंग का मीनिंग होता है क्या तो अव्यवस्थित। अव्यवस्थित यानी इस जंबलिंग को का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है अव्यवस्थित। लेकिन आप नेट पे जो हिंदी वाला सिलेबस डाउनलोड करोगे तो वहां जंबलिंग ही दिया हुआ है। तो अब आप इससे क्वेश्चन रहेगा अव्यवस्थित करने वाला जो कहने का मतलब जो ये सारा व्यवस्थित है इसमें से कौन ऐसा है जो अव्यवस्थित कहने का मतलब जो इस श्रृंखला या सीरीज में नहीं आता है। तो ये कोई नाम टप लग रहा है लेकिन टप नहीं है। जब हम इसका आपको वीडियो देंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अगला चैप्टर हमारा है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम आप जानते हो जो इसको हम क्या करते हैं जो इसको भी हम हिंदी में वही कहते हैं जो वेन डायग्राम। अगला है हमारा कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। हाँ, वेन डायग्राम को हम हिंदी में कहते हैं वेन आरेख। डायग्राम यानी आरेख। तो जैसे वेन डायग्राम हो गया तो इसको हिंदी में क्या कर बोलेंगे वेन आरेख या फिर इसको वेन डायग्राम भी लिखा रहता है तो ये उतना नहीं है। आगे है कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग यानी निष्कर्ष और उसकी क्षमता। हाँ, मतलब उसका जो भी निष्कर्ष हम है जो कंक्लूजन मेरा दिया गया है यहाँ पे जैसे है जो कंक्लूजन एंड डिसीजन
मेकिंग यानी निर्णय लेना, यानी जो क्या कहते हैं जो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष और निर्णय, यानी निष्कर्ष और जो है निर्णय रहेगा, डिसीजन मेकिंग, जो हम क्या निर्णय लिए, क्या जो है डिसीजन लिए। अगला जो मेरा चैप्टर है वो क्या है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, यानी दिशा एवं दूरी परीक्षण, इसको हिंदी में कहते हैं। आगे क्या है, क्लासिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण, वर्गीकरण। आगे क्या है, अजम्पशन ऑफ आर्गुमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तर्कों की कल्पनाएं, तर्कों की कल्पनाएं, या फिर पूर्व धारणा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है, कैलेंडर, तो कैलेंडर को हम हिंदी में कहते हैं तिथि पत्र या फिर पंचांग। जी हाँ, आपको नाम नया लग रहा होगा, जो कैलेंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो तिथि पत्र या फिर पंचांग। आगे फिर क्या है, डाइस, इसको हम हिंदी में कहते हैं मामा सुकनी का पासा, कहने का मतलब आप भावना को समझिए, भावना आई है या नहीं आई है। जी हाँ, मामा सुकनी का पासा यानी डाइस को हिंदी में हम कहते हैं पासा, पासा। आगे है टाइम एंड क्लॉक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समय एवं घड़ी, समय एवं घड़ी। आगे क्या है, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, तो यानी कागज को काटना और कागज को मोड़ना, मोड़ना। आगे है हमारा क्या नेक्स्ट, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, यानी जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। अगला जो है मेरा क्या, एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर को हम हिंदी में कहते हैं सन्निहित आकृति या फिर आकृति पूर्ति, आकृति पूर्ति। आगे है हमारा क्या, क्यूब क्यूबाइड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घन एवं घनाभ, घन घनाभ। तो यही चीज मेरा हो गया, जो ये सारा चैप्टर अब आपको क्या करना है, बढ़िया से क्लियर करना है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में कितना है, 30 नंबर। तो हम यही कहेंगे, जो इस ग्रुप डी एग्जामिनेशन को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो हमारी ये ग्रुप डी एग्जामिनेशन निकले, हमारा रिटर्न खुशी खुशी निकले, तो आपको सबसे पहला फोकस किस पे ज्यादा ध्यान लगाना है, रीजनिंग पे, क्योंकि उससे 30 क्वेश्चन पूछेगा। और उसके बाद आप आ जाओ मैथ पे ध्यान दो, मैथ पे, और उसके बाद आप क्या करो तो जनरल साइंस पे ध्यान दो, और उसके बाद आप किस पे ध्यान दोगे तो जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर पे ध्यान दोगे, जिससे कितना है 20 नंबर। तो हम यही कहेंगे मित्रों, जो आप इस जानकारी को यानी इस वीडियो को अब आप अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में सबको शेयर कीजिए, ताकि उसको भी फायदा मिल सके। और साथ ही आप एकदम लाइक एकदम ठोक के मारो, इसमें एकदम सोचो नहीं। और हाँ, जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लोगे तो ही हमारा ये जितना 200 चैप्टर है ग्रुप डी के लिए जो है सारा क्या आएगा, इसका आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जी हाँ मित्रों, याद रहे क्या, तो बेल आइकन जो है दबाना है कब, तो पहले उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। तो हम यही कहेंगे, जो इस ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए आप रगड़ के मेहनत करो, पूरे एकदम जम के मेहनत करो। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। Reasoning by Reasoning Guru Mishra Sir for SSC Bank Railway Police Force Mobile number 9708543311